हेलो मेरे शेयरों, कैसे हो। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग कहता है, ठीक है, लेवल अब बहुत हो गया, चलो अब गेनोडर्मा हर्ब को लिया जाए। और फेंग एक फनी तरीके से बैठकर उसे उखाड़ने लगता है। उखाड़ने के बाद उसे सुप्रीम सिस्टम से अपने पास एक्सचेंज करने को कहता है और उसे 905 सुप्रीम कॉइन्स में चेंज कर देता है। उसके हाथ में उसका डंटी ही बचा होता है। फेंग उस डंटी को पीछे फेंकते हुए कहता है, सिर्फ 905 कॉइन्स और नीचे सुंदर कन्या जमीन पर लेटी होती है और कह रही होती है, हेल्प मी। सुप्रीम सिस्टम कहता है, लेन देन के लिए 10% काटा गया है। फिर फेंग एक कन्फ्यूजन वाला शक्ल बनाकर और माथे को खुजलाते हुए कहता है, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर हम सुंदर कन्या को देखते हैं जो घायल होकर जमीन पर लेटे लेटे फेंग को देख रही होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है कि तू मुझे भूल गया बेसाले। और फेंग उसके आगे खड़ा होकर अपनी उंगलियों से गिनते हुए कह रहा होता है कि मैंने न्यू स्किल को भी सीख लिया है और लायन कोर को भी ले लिया, गेनोडर्मा का एक्सचेंज भी कर दिया, आखिर मैं क्या भूल रहा हूँ। फिर हमें खून में सने एक हाथ को देखते हैं जो आगे बढ़कर फेंग के पैर को पकड़ लेता है। फिर फेंग बहुत ही डर जाता है और उसकी फट जाती है। फिर हम लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि मेरी मदद करो। फिर फेंग मेरी मदद करो। फिर फेंग को एक झटका लगता है और कहता है, सीट क्या बकवास है, ये कोई भूत नहीं है। फिर फेंग रोनाल्डो बनकर उस लड़की को एक जोर का फुटबॉल किक मार देता है और वो लड़की एक बॉल की तरह उड़ जाती है। उसके बाद उसे हम सीधे पेड़ के नीचे गोल हुए देखते हैं जो बेहोश हो चुकी होती है और फनी तरीके से अपने हाथ पैर फैलाकर गिरी होती है। फिर फेंग फनी तरीके से उसके माथे को अपने माथे को खुजलाते हुए एक अजीब शक्ल बनाकर कहता है, सीट शायद मुझे उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। फिर फेंग एक लकड़ी की डंडी को लेकर उसके शक्ल पर टच कराते हुए कह रहा होता है कि ये जिंदा है या मर चुकी है। फिर फेंग उसके और सामने जाते हुए चेक करता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर फेंग उसकी इस खतरनाक पोज में बेहोश हुए देखकर कहता है, क्या सेक्सी लड़की है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात होगी अगर ये यहाँ पर मर जाएगी। फिर फेंग सुप्रीम सिस्टम के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या उसके पास कोई अच्छी चीज़ है जिससे उसे ठीक किया जा सके। फिर फैन सुप्रीम सिस्टम में चेक करता है कि वहाँ पे हर्ब्स को चेक करता है कि जहाँ पर दिखाया जाता है ग्रीन लोटस 99,900 मिलियंस, ग्रीन फ्रूट 90 मिलियन पॉइंट्स सुप्रीम पॉइंट्स, फ्लैट पीस 99 पॉइंट्स, येलो बॉल 1 सुप्रीम कॉइन। ये फेंग को अच्छा लगता है। फिर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये अच्छा लग रहा है। फिर फेंग उसे बाय कर लेता है और उसे मुस्कुराते हुए कहता है, ये सबसे सस्ता है, इसके लिए ये काफ़ी होगा, क्या पता ये होश में आने के बाद बदल जाए, इसलिए इसके लिए इतना ही खर्चा काफ़ी है। फिर फेंग उस पिल को उसकी चेस्ट पर रख देता है और उस गोली इसे लाइट निकलने लगती है और उसके सारे जख्मों को हील करने लगती है। उसके पैरों के जख्मों को वैसे ही लाइटनिंग निकल कर हील हो रहा होता है। फिर फेंग फिर उस लड़की को होश आता है और वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। उसके सामने फेंग अपना लार टपकाते हुए उसे देख रहा होता है जिससे लड़की बहुत ही गुस्से में उसे 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 दो झापड़ जड़ देती है और फेंग के मुंह से उसका सारा पानी निकल जाता है। फिर फेंग दूर जाकर धाम से ज़मीन पर गिरता है
और उसे चक्कर आ रहे होते हैं और बड़बड़ाते हुए कहता है, धर्मे धक्का बाबू भैया, धर्मे धक्का। सुन लो लंडो कि कभी भी पापा की परी के इजाज़त के बिना उसकी मदद मत करना। तो फिर वो लड़की बैठ जाती है और अपने जख्मों को ठीक हुए पाती है और वो कहती है, क्या इसने मेरी जान बचाई। तो फिर वो लड़की उससे आई एम सॉरी कहती है और बताती है कि मैं डिसेबल हूँ जुआंगी सेक्ट की, जो थर्ड मेजर सेक्ट है लियांग नेशन में, नेशन मतलब देश में। तुम्हारा मुझ पर उधार रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी मैं किसी तरह से भी तुम्हें पे करूँगी। फिर फैन खड़ा होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कुछ भी पे करोगी। लड़की कहती है ऑफ कोर्स। फैन उसके सामने अपने चेहरे को ले जाता है और कहता है, वेल आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए। फिर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और अपने माथे को खुजलाते हुए कहती है, वांट मी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। फिर फैंग फुल मूड में आते हुए कहता है, आई वांट यू टू बी माई वाइफ, मुझे तुम पत्नी के रूप में चाहिए। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में उसके दूसरे गाल पर भी एक मुक्का जड़ देती है और उसके दोनों हाथों को अपने फिर वो लड़की अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखकर कहती है, तुम्हारे जैसे पागल से शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊंगी। फिर फैंग एक ड्रामनी शक्ल बनाते हुए कहता है, इस मॉन्स्टर माउंटेन पर कई सारे ऐसे जानवर हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, पसंद अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना पसंद है तो तुम रुक सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो लड़की इसके बात को सुनकर कल्पना करती है कि उसके चारों ओर मॉन्स्टर है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है और कहती है, डरते हुए कहती है, ठीक है। फिर फैंग कहता है, जब तुम उन जानवरों से घिर जाओगी, फिर फैंग और ख़तरनाक तरीके से उनसे डराते हुए कहता है, जब तुम उन जानवरों से घिर जाओगी तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर वो जानवर खाने लगेंगे और तुम्हारे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। फैंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे लड़की ज़मीन पर बैठे सोचती है कि मैं इस जगह पर नहीं रुक सकती, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर मुझे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वहाँ पर एक टाइगर की रोर की आवाज़ आती है, वो लड़की पीछे देखती है और डर जाती है और अपने कानों को बंद करके कहती है, ऑल राइट, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। और वो तेज़ी से भागकर फैंग के सामने आ जाती है और फैंग हंसते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन। फिर वो लड़की शर्माते हुए कहती है, मैं अब से तुम्हारी बीवी हूँ। फिर फैंग ये सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, हा, फाइनली अब मेरे पास एक बीवी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उस प्रिंसेस को इसने छोड़ के आया है उसके साथ क्या करेगा ये, अब मैं अकेला नहीं हूँ। फिर फैंग नाचने लगता है और कहता है, ला 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 ला। वो लड़की गुस्से में अपने मन में कहती है, जो कुछ भी है ये कानूनी तौर पर नहीं है। फिर फैंग उसके सामने आकर कहता है, मेरा नाम झाओ फैंग है, सियाओ शहर से झाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारा कोई सगा भाई बहन है। वो लड़की अपना सर नीचे करते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहती है, मेरा नाम किंगसू है, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मुझे मेरे मास्टर ने पाला है। फिर फैंग हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर किंगसू उसे देखते हुए मन में कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस बार हुक से उसे निकाल सकती हूँ, पता नहीं वो किसी के बारे में सोच रही होती है, हुक का मतलब क्या होता है मुझे भी पता नहीं। फिर फैंग उससे सटते हुए उसके काम में कहता है, बस मैं इस मामले में चाहता हूँ कि तुम कसम खाओ कि मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती हूँ। सगाई के बारे में वो बात कर रहा था, शादी के बारे में। फिर किंगसू मन में गुस्से में कहती है, किल हिम, इसे मार डालो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।